हमारी काली काली आंखों से ना काला टीका लगा देते हैं जरा सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है को, कहीं किसी की नजर ना लग जाए इन्हें। कार्तिक की कोशिश नायरा पर पड़े ट्विस्ट के रंग, कायरब नायरा बने कार्तिक का सहारा, हार के बाद अब मिलेगी जीत। जी हाँ, स्टार प्लस के सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है में आज नायरा देख रही है एक ऐसा ख्वाब जिसमें उन्हें ऐसा लग रहा है कि कोई उनसे कार्तिक और कायरब को दूर करना चाहता है, इसीलिए उड़ी हुई है नायरा के चेहरे से हवाइयां। सपने में अपने जो ड्रीम है उसमें अपने बच्चे और अपने पति को देखती है, बिकॉज शी इज इन दैट जोन वेयर शी डज नॉट नो व्हाट टू थिंक, क्या सोचे। तो उस वक्त उन्हें उनके हस्बैंड हर जगह नजर आते हैं, अपने बच्चा हर जगह नजर आता है, तो वो ड्रीम सीक्वेंस हम फिलहाल शूट कर रहे हैं। भाई, इस ख्वाब ने तो नायरा को बुरी तरह से डरा दिया, लेकिन इससे पहले आज हमें देखने को मिली कार्तिक नायरा और कायरव की हैप्पी फैमिली वाली बॉन्डिंग, जहां नायरा और कायरव दोनों मिलकर कार्तिक की हौसला अफजाई कर रहे हैं, उन्हें मोटिवेट कर रहे हैं कि वो जल्द से जल्द अपने पैरों पर वापस खड़े हो जाएं। इस फादर के वो जल्द से जल्द चलना शुरू करें। वैसे आज नन्हे से कायरव ने भी पापा कार्तिक से माफी मांगी, जिन्हें कार्तिक समझा रहे हैं कि माँ बाप हमेशा अपने बच्चों का भला चाहते हैं और नायरा आपके लिए किसी से भी लड़ सकती हैं। ये सब सुनकर नायरा हो रही हैं इमोशनल और इसी बहाने हॉस्पिटल में दिखा कार्तिक नायरा का अटूट प्यार। बहुत चीज़ से गुजर रही है, तब त्रिशा जो है वो ऑलरेडी देख रही है कि कार्तिक नायरा पे कितना कुछ बीत रहा है। हाँ, कार्तिक नायरा इस वक्त साथ है, पर फिर भी पूरी फैमिली से अलग है, उनका अपना बेटा उनसे अलग हो चुका है, तो इसलिए त्रिशा खुद जाकर केस वापस ले लेती है और वो चीज़ उन्हें बहुत ज़्यादा हर्ट करती है। नायरा कोर्ट के पेपर्स हाथ में पकड़कर अपनी शिकस्त का मातम मना रही होती हैं कि उसी वक्त कार्तिक आकर नायरा को समझाते हैं, तो वहीं नायरा के पास अब इस चिप के जरिए सबूत हाथ लग चुके हैं जो उन्हें किसी अनजान आदमी ने दिए हैं। तो भाई, कहानी में आ चुका है यू टर्न, हारी हुई बाजी को जीतने का एक और मौका नायरा और कार्तिक को मिल गया है। अब देखना होगा कि कैसे रिश्तों की कसौटी पर कार्तिक और नायरा लड़ पाते हैं त्रिशा के लिए हक की लड़ाई। मुंबई से नुपुर माउची के साथ आज तक ब्यूरो।